चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और पाइए सारी अपडेट। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। वीडियो में बात करूंगा रश्मि और आसिम के बिग बॉस सफ़र के बारे में। देखिए, एक इंटरव्यू में अभी रश्मि ने खुलासा किया है। जैसा आपको पता होगा कि आसिम के साथ काफ़ी फिजिकल हुए हैं सिद्धार्थ, रश्मि के साथ भी काफ़ी लोग फिजिकल हुए, जैसे शेफाली। एक टास्क में वो शेफाली रश्मि के ऊपर ही चढ़ गई थी, जैसे झूला झूल रही हो। तो किसी को फिजिकल होना वैसे बिग बॉस के घर में अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लोग इन दोनों के साथ फिजिकल हुए हैं। उसी को लेकर रश्मि देसाई ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ काफ़ी लोग फिजिकल हुए हैं और हर बार मुझे आसिम ने ही बचाया है। तो आप एक पूरी वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। घर में ऐसे बहुत बार मूवमेंट हुए हैं एंड आई विल नॉट से इट एंड आई विल नॉट टेक द नेम, जहां पर लोग फिजिकल हुए हैं मुझ पर एंड तब आसिम मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन उसने मुझे बचाया है। और ऐसे 3 से 4 मूवमेंट घर में हुए हैं और तब मैं सहम गई थी उस टाइम पे। हाँ, मेरी बनती नहीं थी क्योंकि मैं उसे जानती नहीं थी और वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब उसने कोशिश की और वो लेयर हटाई अपनी और मैंने और उसने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, आई थिंक वी बिकम वेरी वेरी गुड फ्रेंड एंड आई रियली फील दैट ही शुड गेट व्हाटएवर ही वांट्स इन लाइफ, बिकॉज वो बहुत अच्छा और साफ दिल का लड़का है। उसने जब शुक्ला के लिए भी किया तो बहुत दिल से किया, और जब मेरे लिए भी बारी आई तो उसने दिल से किया एंड उसने मुझे इज्जत भी उतनी दी। एंड आई थिंक आई एम दी ओनली कंटेस्टेंट इनसाइड दी हाउस लड़कों के एक्सेप्ट शुक्ला आई विद से, कि मुझे किसी ने तू तड़क करके कभी बात नहीं की है। दे हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड वो एक दायरा हमेशा मेरे लिए मेंटेन किया है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट। तो जैसा आपने इस इंटरव्यू में देखा, रश्मि देसाई साफ साफ कहती हुई नज़र आ रही है कि बिग बॉस के घर में उनके साथ काफ़ी लोग जो हैं फिजिकल हुए हैं, लेकिन वो उनका नाम नहीं लेना चाहती। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी उनके साथ कोई फिजिकल हुआ है, हमेशा आसिम ने उन्हें बचाया है। चाहे आसिम उनके उस समय दोस्त थे, फ्रेंड थे या नहीं थे, आसिम ने उन्हें बचाया है। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी और साथ साथ एक खुलासा भी कर दिया कि बिग बॉस के घर में जब कोई फिजिकल होता है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, खासकर इस सीज़न में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या कहना इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।